अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो फ्रेश पासपोर्ट पे। देखें, फ्रेश पासपोर्ट किसी बंदे का होता है और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होते हैं और अक्सर सोचते हैं कि हमारा किसी बड़े कंट्री का वीज़ा नहीं लगेगा। देखें, अभी अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं, जैसे कि पूरी दुनिया क्लोज है, कुछ कंट्रीज़ ओपन है, तो वो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर ही वीज़ा देते हैं। किसी एक भी कंट्री ने अपनी रिक्वायरमेंट्स में कहीं नहीं लिखा होता कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है या फिर हमें भरा हुआ पासपोर्ट पहले से ला के दो, रंगीन करके दो पासपोर्ट, तो वीज़ा देंगे। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। बेशक आप अमेरिका कनाडा तक को उठा लें, लेकिन जब आप वीज़ा लेने जाते हो तो रिफ्यूज़ल लगती है। तो उसमें रिफ्यूज़ल में रीज़न जो लिखी आती है उसमें ये होता है कि हमें यकीन नहीं है कि आप अपना टूर ख़त्म करने के बाद कंट्री को लीव करेंगे। तो यहाँ पे आती है बात इसकी ट्रैवल हिस्ट्री की। अगर आपकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो तो कंट्रीज़ देखते हैं कि यार ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है, ऑलरेडी इसने ट्रैवल किया हुआ है और ये हमारा कंट्री भी ट्रैवल करके चला जाएगा, लीव कर देगा हमारे कंट्री को। तो अब दोस्तों, शेंजन की जहां तक बात है, 2-3 महीने के अंदर शेंजन ओपन होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी शेंजन में से कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐलान किया हुआ कि हम अप्रैल तक सोच रहे हैं अपना कंट्री ओपन करने के लिए, लाइक आइसलैंड हो गया या फिर हंगरी वगैरह हो गया। इन्होंने पहले थोड़ा सा एक स्टेटमेंट दी थी। अभी देखना यह है कि ये ओपन करते हैं ये या नहीं करते, ये तो एक अलहदा मैटर रहा। लेकिन बात यह है कि ओपन जब होता, क्या आप डायरेक्ट विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री अप्लाई करोगे या ट्रैवल हिस्ट्री के साथ करोगे? अगर तो आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री उस कंट्री में अप्लाई करने लगे हो तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ होने के भी चांस हैं। तो अभी मैं अगर कहता हूँ बोस्निया, यूक्रेन, मोंटीनेग्रो, उसके बाद साउथ अफ्रीका, तुर्की, कोसोवो, ब्राज़ील, यूके, ये 8-10 कंट्रीज ऑलरेडी ओपन है। इस करंट सिचुएशन में भी अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें अप्लाई करें तो कुछ कंट्रीज़ होंगे विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप अप्लाई करते तो आपके रिफ्यूज़ल के चांस हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है ब्राज़ील। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो ये आपको वीज़ा उड़ा देगा, ये आपको वीज़ा नहीं देगा। अब ऐसे हजरात जिनकी तो या तो कम बैंक स्टेटमेंट है या वीज़ा प्रोफेशन जिनका लो है या जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनको किधर अप्लाई करना चाहिए? देखें दोस्तों, ऐसे हजरात को साउथ अफ्रीका में अप्लाई करना चाहिए, तुर्की में अप्लाई करना चाहिए, मोंटीनेग्रो में अप्लाई करना चाहिए और बोस्निया में अप्लाई करना चाहिए। अगर एक दो कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है या वीज़ा ले लिया इन्होंने, तुर्की का और बोस्निया का वीज़ा ले लिया, ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर आप यूक्रेन करो। मैं सिनेरियो बताता हूँ किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। फ्रेश पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट एवरेज लाइक 15-20,000 दरम, वीज़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं है, लो कैटेगरी का, परेशान नहीं होना। अभी क्या करना है, सबसे पहले तुर्की का वीज़ा लगवाना है। तुर्की का वीज़ा लगेगा आपका, आसानी से वीज़ा लग जाएगा, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी तुर्की वीज़ा के लिए। और तुर्की का वीज़ा लगते के साथ ही आपने क्या लगवाना है, बोस्निया का वीज़ा। अगर आप इस रीजन में ट्रैवल करते हो तो बेस्ट है, अगर पैसा ज़्यादा है आपके पास तो खर्च कर सकते हो 200, तो फ्री का लगवा लो। वीज़ा तो उसका तकरीबन सस्ता ही मिल जाएगा, लेकिन उसकी फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी ना आपको। तुर्की से आप इस्तांबुल, दुबई से इस्तांबुल और इस्तांबुल से फिर आप इधर साउथ अफ्रीका जाओगे, एक्सपेंसिव वीज़ा ये आपको टूर पड़ेगा। चीप रेट में जाना है, आगे शेंजन अप्लाई करना है, शेंजन घूमने का प्लान है, तो सबसे पहले तुर्की का वीज़ा लगवा लो। तुर्की का वीज़ा लगने के बाद बोस्निया का वीज़ा लगवाना है। बोस्निया इंतहाई आसान वीज़ा है इसका, इसके लिए पासपोर्ट भी होल्ड नहीं करते ही। ऐसे हजरात जो अक्सर डरते हैं कि रिजेक्शन की स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट पे, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पासपोर्ट अपने पास होल्ड नहीं करते। जो मैं आगे बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, स्कैन करके रिटर्न कर देंगे आपका पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट होल्ड नहीं होने वाला। आ गया पासपोर्ट, उसी के ऊपर आपने एक और कंट्री अप्लाई कर देना, मोंटीनेग्रो ऑनलाइन सारे आपके डॉक्यूमेंट्स बना के हम भेज देंगे। तो उसके बाद जब आपने मोंटीनेग्रो अप्लाई करना है तो इनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम निकलेगा।
बोस्निया से भी और मोंटीनेग्रो से भी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप अप्लाई कर लो यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। तो या फिर आपने एक आधा ट्रैवल किया हुआ है तो अगर इन कंट्रीज को नहीं करना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा यूक्रेन, यूक्रेन को आप टच करो क्योंकि उसका इनविटेशन निकलता है यूक्रेन से ही, वो गारंटी लेटर इनविटेशन, फिर अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और कोविड 19 की वो सारी चीज़ें वो लगा के, और एयरपोर्ट क्लियरेंस वगैरह, एयरपोर्ट पे आप पिक करने आएंगे वो, तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। उसके बाद दोस्तों यूक्रेन की एम्बेसी फीस भी तकरीबन 700 दरम तक होती है इनविटेशन की अलग, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन अभी यूक्रेन आपको वीज़ा दे रहा है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को यूक्रेन का वीज़ा मिला है, तो ऐसे हजरात जो कि यूक्रेन में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। तो फ्रेश हजरात जिनका कहीं का कोई ट्रैवल नहीं है तो वो ये कंट्रीज जो मैंने बताए हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझसे मेरा लोग, बहुत सारे लोग मेरा नंबर मांगते हैं, मैं उस्मान भाई का भी फिल वक्त नंबर दिया हुआ, कुछ दिन तक मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। ये व्हाट्सएप है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करो। अगर आपको कोई पर्सनल आपने मिलना आके तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन दुबई में जम्बो बिल्डिंग का, अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन जिसका अब नाम है शरफ डीजी, ठीक है। और ये शरफ डीजी वो पुराने वाला उधर एमरेट्स मॉल के पास था, अल-फहीदी वाला। अल-फहीदी मेट्रो स्टेशन से आपने बाहर निकलना है, एग्जिट 2 से निकलना है, राइट साइड पे जंबो बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे जीनियस कंसल्ट डॉक्यूमेंट्स क्लियरिंग, यहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आप पर्सनली तौर पे मुझे मिल सकते हो, अपना केस भी डिस्कस करवा सकते हो, और मैं मेरे से अगर अप्लाई करवाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अच्छा, और सेकेंड चीज़ ये दोस्तों, ऐसे हजरात जिनकी ऑलरेडी एक दो कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, लाइक तुर्की किया हुआ, एशियन कंट्रीज ट्रैवल किए हुए हैं, अब वो चाह रहे हैं कि मैं एक दो कंट्रीज ट्रैवल कर लूँ क्योंकि आगे इन्होंने शेंजन करना है, तो कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो मैं ऐसे हजरात को बोस्निया और मोंटीनेग्रो की ऑप्शन दूंगा, क्योंकि ये मोंटीनेग्रो और बोस्निया 90-95% इसकी वीज़ा रेशियो चल रही है, अगर अच्छे तरीके से आपने अप्लाई किया हुआ वीज़ा। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, NOC कंपनी का 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और विद क्लोजिंग बैलेंस 15-20,000 दरम तक होना चाहिए, और उसके बाद एक इनविटेशन, अगर आपने यूक्रेन जाना इनविटेशन चाहिए, अदरवाइज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, और एक यही ट्रैवल प्लान हो जाएगा आपका, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी है। अपॉइंटमेंट्स, कुछ कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, अगर तुर्की की अप्लाई कर रहे हो यहाँ दुबई से, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, वो आपने लेनी है और जाकर सबमिट करवा देना विद इन 15-20। बोस्निया और यूक्रेन, बोस्निया कर रहे हो तकरीबन 20 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, उतने में ही आपका मोंटीनेग्रो का भी आ जाएगा। एक ही फ्लाइट पकड़ो और साथ साथ ही कंट्रीज में ज़्यादा फासला नहीं है और आप ट्रैवल कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।